नमस्ते दोस्तों, आज के जो टॉपिक है, पहले ये एक वीडियो बनाया था पार्ट वन करके और ये पार्ट टू है। आप लोग अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एंड तक देखते रहें। और आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट सेशन में जो टॉपिक ले आया हूँ मैं, ये अभी क्लच और एक्सेलेटर और ब्रेक कैसे मारना है वो सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा राइड करके दिखाएंगे कैसे राइड करना है, नया जो सीखना चाहते हैं इसी लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाएं और मेरे वीडियो सबसे पहले देखें और इस चैनल का मेंबर बने। तो पहले आपको क्या करना है वो पहले देख लीजिए। मेरा भाई कैमरा आज के पैकेट रखा है, वो मैं दिखाता हूँ, इसके बाद वो आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले क्लच को कैसे दबाना है देख लीजिए। पहले क्लच को पहले फुल दबा लीजिए, फिर आपका नंबर वन जो गियर होता है दबा के फिर हल्का हल्का छोड़ना है आपको, हल्का हल्का छोड़ना है, ठीक है। पहले ये तो सीखना है पहले, उसके बाद आपको देखना है एक्सीलेटर कैसे मारना है। एक्सीलेटर दबाना, हल्का हल्का दबाना है, लेकिन आप पहले सीख रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर मत हाथ दीजिए, मतलब मत दबाइए। आपको पहले क्लच कैसे छोड़ता है वो देखना है, कैसे रिलीज करें वो सीखना है, उसके बाद गियर मार के कैसे आगे बढ़ना है, फिर आपको ब्रेक मारना है। ये हैंड ब्रेक है, जैसे कि ऐसे ऐसे मारना है हल्का हल्का करके। और ये बैक ब्रेक है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बैक ब्रेक है, इसको ऐसे ऐसे दबाना है। तो आप लोग जानते ही होंगे, आपके पास बाइक होगा तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है मैं दिखा रहा हूँ। फिर चलिए इसके बाद चलते हैं। A few moments later. रुको, चाबी ऑन मत करो, पहले हेलमेट यूज करने के बाद फिर ड्राइव करना। सभी के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए नहीं, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। हेलमेट यूज करना, हेलमेट यूज करने से आपका जीवन बच सकता है। प्लीज चाबी ऑन करो। पहले चाबी ऑन करने के बाद सेल्फ दबाना है। पहले गियर सामने देख लो, पहले गियर कैसा है। पहले गियर वन डाउन फोर अप है, वन डाउन अभी, हाँ ये न्यूट्रल हुआ, हाँ। इसके बाद ऊपर, हाँ ये टू, फिर से थ्री एंड फोर, ठीक है। फिर न्यूट्रल करो, देखो यहाँ पे न्यूट्रल लाइट आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल लाइट जलेगा, देखो न्यूट्रल करो न्यूट्रल, हाँ थोड़ा आगे पीछे करो, बस अभी न्यूट्रल करो, ऊपर करके और थोड़ा ऊपर, बस हो गया, देखो न्यूट्रल हुआ, हाँ। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या करना चाहिए मालूम हो गया। फिर क्या करना है आपको, पहले क्लच दबा, उसके बाद सेल्फ मारो, बस हो गया। फिर वन डाउन, बस जब भी आपको लगे कि मुझे रुकना है तो संग के संग इसको दबाना, ठीक है, उसके बाद ब्रेक यूज करना। चलो देखो, हाँ एक्सीलेटर मत मारना, मैंने आगे भी बताया है एक्सीलेटर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, एक्सीलेटर छोड़ के हल्का हल्का छोड़ो, उसको मत दबाओ, बंद होता है तो बंद होने दो। क्या करना है इसको दबाओ, फिर एक्सीलेटर मारो, सेल्फ मारो, हुआ, फिर दबाओ एक वन नंबर, हाँ हल्का हल्का छोड़ो, एक्सीलेटर मत देना, बस रुको, हाँ छोड़ो, ऐसा छोड़ो, फिर पकड़ो, पहले डर आएगा, उसके बाद डर के बाद जीत होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं चला के दिखाऊंगा कैसे चलाना है वो देखिए। पहले ये देखिए न्यूट्रल है अभी, तो अभी क्लच क्या करना है, क्लच को दबाइए, फिर एक नंबर गियर को दे दीजिए, नंबर वन को गियर को देने के बाद हल्का हल्का क्लच को रिलीज करें, देखें
देखें, मैंने कोई एक्सीलेटर दबाया नहीं है, मैंने एक्सीलेटर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, तब भी गाड़ी आगे बढ़ रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, फिर आप जब थोड़ा बढ़ गया है, रेस बढ़ा, फिर आपको क्या करना है, आपको क्लच को छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। ऐसे ही करें, पहले तो आप ऐसे करें, उसके बाद जब भी रुकना है ये क्लच को आप दबाएं, याद रखें ये क्लच को दबाएं, दबाने के बाद हैंड ब्रेक हो या लेग ब्रेक हो आपको यूज़ करना है, समझे मेरी बात। पहले आपको ये करना है, इसके बाद आपको दूसरा पार्ट नंबर 3 में दिखाऊंगा मैं क्या करना है। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें आप लोगों को क्या क्या करना है आप लोगों को मैं सिखाऊंगा क्या क्या करना है। पार्ट 3 में मैं सिखाऊंगा और भी ज़्यादा क्या करना है आप लोगों को, वो मैं सिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक दबा देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।